हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मोजैक आर्ट। तो मोजैक आर्ट आज का थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं करने वाली हूँ मिरर और कुंदन के साथ मोजैक आर्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ अलग अलग शेप का मिरर, साथ में हमें चाहिए कुंदन। मैंने दो कलर का कुंदन लिया है, यहाँ पे ब्लू और लाइट ब्लू कलर का, और साथ में जो है यहाँ पे मैंने लिया है वॉल पुट्टी, और ये जो है बिरला वॉल पुट्टी है। साथ में ये पैलेट नाइफ है छोटे साइज वाला, और इसके साथ ही चाहिए हमें एक MDF बेस। तो ये जो है कोस्टर के लिए जो है MDF बेस था मेरे पास, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। साथ में मैंने एक छोटा सा गणपति का आइडल ले लिया है, और साथ में मैंने लिया है एक टी लाइट कैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं मोजैक आर्ट करना। तो यहाँ पे जो है मैंने जो है अपना ये बेस ले लिया है, और बेस पे जो है मैंने सेंटर लेते हुए जो है चार को हिस्सों में बांटकर और सेंटर में एक सर्कल बना लिया है। यहाँ पे कैंडल रखेंगे। इसके साथ ही मैंने जो है मेज़रमेंट लेते हुए यहाँ पे स्टोन्स लगाना शुरू कर दिया इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने जो चारों कोने पर एक एक स्टोन लगाया था, और साथ ही मैंने सेंटर में चार चार स्टोन लगाया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल रहे, और ये मंडला आर्ट की तरह जो है लगा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे जो है मैंने इस ट्रायंगुलर शेप का मिरर लिया है छोटे साइज़ का, और ये दोनों कुंदन के जो बीच में जो है मैं इसे सेट कर रही हूँ इस तरीके से एक सर्कल फॉर्म करते हुए बहुत ही आसानी से। अभी तो मैं इसे चिपका नहीं रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ। जब मुझे ये सही से सेट हो जाएगा उसके बाद एक एक करके जो है इसे ग्लू से चिपकाने वाली हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें ख़रीदनी है, ऑनलाइन परचेस करना है, तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताकि आप जो है ऑनलाइन इसे मंगवा कर ये बना सके। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जो है मैं ये ड्रॉप शेप का मिरर जो है चिपका रही हूँ। दोनों ट्रायंगुलर शेप के जो बीच में सेंटर आ रहा है वहाँ पर मैं ये वाला जो है मिरर चिपका रही हूँ। आपके पास जो भी मिरर हो आप उसका इस्तेमाल करके डिज़ाइन फॉर्म कर सकते हो। डिज़ाइन जो है आप खुद अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहो तो कुंदन का जो है और भी ज़्यादा इस्तेमाल करके ये डिज़ाइन बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे आप एक एक सेंटर में जो है ब्लू कलर का जो कुंदन है वो लगा रही हूँ। चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो जो है सबसे पहले मिले। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और कॉमेंट में एक हार्ट दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम बना रहे हैं अपना मोजैक आर्ट के लिए पेस्ट। तो इसके लिए मैंने लिया है वॉल पुट्टी, और साथ में जो है ऐड किया है थोड़ा सा फेविकॉल ग्लू, और साथ में जो है थोड़ा पानी मिलाकर मैं इसे अच्छे से मिक्स करके जो है एक अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना रही हूँ। चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से पेस्ट बनाऊँगी, ताकि इसमें जो है पाउडर फॉर्म जो है वो हट जाए, और इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल ही अच्छे से बने। पेस्ट मैंने गाढ़ा ही रखा है। अब यहाँ पर आप मनपसंद कलर भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर पिंक कलर ले रही हूँ, आप अपने पसंद का रंग इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है, और कंसिस्टेंसी जो है इसकी इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसके ऊपर धीरे धीरे करके मैं जो है पेस्ट को रख रही हूँ, और पैलेट नाइफ से इसे मिला रही हूँ। इसे इवनली जो है स्प्रेड करना है पूरे आर्ट पे, और ट्राई करना है कि जितना भी आपका जो गैप्स है वो अच्छे तरीके से फिल हो जाए। आप कोशिश करो कि इसे अच्छे से जो है एक बराबर लेप लगाओ। अब जैसे थोड़ा सा सूखने के बाद जो है इसे मैं एक गीले कपड़े से हल्का हल्का करके पोंछ रही हूँ, और जितना भी जो पेस्ट है हमारे मिरर वगैरह पे लगा है वो हल्के से पोंछने पे हट जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं एक शार्प नाइफ से इस तरीके से जो है थोड़ा सूखने के बाद मैं इसे धीरे धीरे करके जो है मिरर से जितना भी पेस्ट था वो हटा रही हूँ, और इस तरीके से स्क्रैच करके हमें जो है
कुंदन को भी बाहर निकाल लेना है। सेब को इस तरीके से किसी नुकीली चीज़ से ऐसे करना है, इस तरीके से रेप कर हमें जो है एक अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े से इसे पोंछ लेना है। तो इस तरीके से जो है हमारा मोज़ेक आर्ट कुंदन के साथ बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना है। और इसको जो है आप दिवाली में या फिर फेस्टिव डेकोर या फिर नॉर्मली आप कोस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो अपने घर पर। यहाँ पर इस तरीके से मैं कैंडल होल्डर रख रही हूँ और साथ में अपने गणपति जी के आइडल रखकर इसे इस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। आपको ऐसे ही आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उम्मीद है कि अगली वीडियो भी ऐसी इंटरेस्टिंग होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। टेक केयर। हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।